योगिराज भगवान श्री कृष्ण जो योग एवं अध्यात्म के आराध्य है, ऐसे उस परब्रह्म को हृदय से शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सभी साधु संत महंत सभी के चरणों में मेरा हृदय से वंदन। योग के सभी समस्त प्रेमी, सभी राष्ट्रभक्त, सबको मेरा प्यार भरा वंदन। आज एक ऐसा अभ्यास और एक समस्त विश्व की एक ऐसी समस्या घर घर में है, जिसका नाम है उच्च रक्तदाब। मैंने ऐसा कोई घर है नहीं कि जिस घर में कोई व्यक्ति बीपी की दवाइयां या बीपी की गोली खाता नहीं। किसी को हाई बीपी है और किसी को लो बीपी है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। माने लगती तो बहुत छोटी है, मगर है बहुत विस्तारित, बहुत विराट। और ऐसी एक समस्या का समाधान के लिए हम आज आपके सामने कुछ योग के अभ्यास, विशेष प्राणायाम के अभ्यास करने के लिए मैं आपको प्रवृत्त करूंगा। तो आइए, हाथों की एक मुद्रा एक आसन, मेरुदंड हमेशा सीधा हो। सबसे प्रथम हमें क्या करना है, उच्च रक्तदाब अगर है तो हमें क्या करना है, पहले हम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास होता है बाएं नासिका को धीरे से ऐसे अंगूठे से बंद करना, फिर बाएं से धीरे धीरे बंद करने के बाद दाएं नासिका से दाया माने सूर्य स्वर, अग्नि स्वर, इससे हमने आरंभ किया है। धीरे धीरे संत गति से सांसों को धारण किया है, वहीं से अर्जन हुआ और वहीं से विसर्जन भी हुआ। हमने सांस वहीं से भरी, वहीं से छोड़ देना। हाई बीपी में कोई भी अभ्यास तीव्रता से नहीं करना है, बस ये पहली बात याद रखना। नाड़ी शुद्धि इसके लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा पूरा नासा मार्ग, नासा रंध्र, श्वसन मार्ग खुल जाए पहले। तो ऐसे दाएं नासिका से 2 मिनट 5 मिनट जैसा भी आपके पास समय है वैसा उसको आप करना। फिर उसके बाद दाएं को बंद करना और फिर बाएं से सांसों को धारण करना, माने सूर्य स्वर को हमने साफ किया। फिर उसके बाद आता है चंद्र स्वर, चंद्र स्वर को हम शुद्ध करेंगे। ऐसा बाएं से लेना और बाएं से ही छोड़ना। ऐसा जितना आप दाएं से करोगे, चाहे 1 मिनट किया तो फिर बाएं से भी 1 मिनट करना, माने दाएं से आपने अगर 5 मिनट किया तो बाएं से भी आपको 5 मिनट इस अभ्यास को करना है। तो देखिए, ये सबसे जरूरी है प्रथम में, प्रथम दोनों स्वरों को, माने सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, अग्नि और सोम, ईड़ा और पिंगला, दोनों नाड़ियों को प्रथमतः हमें शुद्ध करना है, वो भी पूरे शांति के साथ।
पूरे सहजता के साथ और पूरे होशो आवाज के साथ में उसको करना है। फिर उसके बाद में अब ये जानना कि हाई बीपी क्यों हो रही, मुझे क्या कारण है इसका, रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ कहाँ है, क्या है उसका मूल। देखो हाई बीपी होने के कई सारे अलग अलग कारण हैं। पहले मैं आरंभ करता हूँ, जैसे कि किसी को पेट साफ नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है तो गैस बनती है, उससे भी हाई बीपी की समस्या होती है। बवासीर है तो भी बीपी की समस्या होती है। किसी को किडनी की समस्या है, किडनी किसी की इनलार्ज हो गई या क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुकी है या रिनल फेल्योर है, मैंने किडनी की समस्या है, रुक दोष अगर है, अगर स्टोन भी है तो भी बीपी बढ़ती है, ये याद रखना। या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो चुका है तो भी बीपी बढ़ती है, अंडकोश की वृद्धि हो चुकी है तो भी बीपी बढ़ती है, या फिर किसी का मैंने लीवर लीवर सिरासिस है या फिर फैटी लीवर है तो भी बीपी बढ़ती है, या फिर किसी को हृदय की व्याधि है, हृदय के व्याधियों में मैंने अगर ब्लॉकेज है तो भी बीपी बढ़ जाती है, आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज है तो बीपी बढ़ना स्वाभाविक है, या फिर किसी को ट्यूमर है शरीर में कहीं भी, माने मस्तिष्क में अगर ट्यूमर है, हृदय में अगर ट्यूमर है, लीवर में अगर ट्यूमर है, या फिर किडनी में ट्यूमर है, आंतों में ट्यूमर है, शरीर में कहीं भी अंदर किसी भी अंतरस्रवी ग्रंथि में ट्यूमर अगर है तो भी बीपी बढ़ती है, ये याद रखना। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो भी बीपी बढ़ी हुई रहती है। मैंने बीपी बढ़ने के कई ऐसे कारण हैं, लगभग 60 कारण हैं बीपी बढ़ने के, तो हमें उन कारणों को ढूंढना है। पित्त से बीपी बढ़ी है क्या, कफ से बीपी बढ़ रही है क्या, वात से बीपी बढ़ रही है क्या, बस इतना भी अगर याद रहा आपको, ये बाकी अगर ध्यान में नहीं रहा कि मेरी बीपी का कारण मेरा पित्त है, मेरे बीपी का कारण मेरा वात है, मेरे बीपी का कारण मेरा कफ है, तो उसी हिसाब से योग में आप अभ्यासों को अपनाना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है कि कई लोग बीपी को नज़रअंदाज कर देते हैं, गोली भी खाते नहीं, खाओ ना फिर कोई बात नहीं, आपको अगर गोली खाना ही है तो फिर उसकी भी सातत्य रखना बहुत जरूरी है, और फिर भूल जाते हैं, नहीं माने इतनी ज्यादा विशेष लापरवाही बेपरवाह होकर के काम मत करना। अगर पैरालिसिस अगर होता है, ब्रेन स्ट्रोक अगर होता है, तो उसका मेन रूट कॉज है बीपी, ये याद रखना। ब्रेन हेमरेज जब हो जाता है तो फिर कितनी समस्या आ जाती है, जिंदगी भर लूला लंगड़े के जैसे जो है घर में पड़े रहना पड़ता है। तो देखिए आज मैं आपको ऐसे किसी भी कारण से बीपी अगर है तो अलग अलग वीडियोज हमने डाले हैं इसके पहले भी यूट्यूब के ऊपर, आप देख लेना कि कौन सा प्राणायाम हमें कैसा करना है। तो मैं आज हाई बीपी के ऊपर विशेष बात कर रहा हूँ कि माना कि आपको जो भी बीमारियाँ माने कई सारी वात की व्याधियाँ है या फिर पित्त की व्याधियाँ है, तो हमें विशेष करके ज़्यादा कौन से प्राणायाम को अडॉप्ट करना है, स्वीकार करना है। तो देखना हाई बीपी में सबसे प्रथम हमें चंद्रभेदी नाम का प्राणायाम करना है। चंद्रभेदी, आइए अब देखते हैं। राइट नोस्ट्रल को क्लोज करना, लेफ्ट नोस्ट्रल से डीप ब्रीथ करना है। चंद्र स्वर से सांसों को धारण किया है माने लेफ्ट साइड से, फिर थोड़ी देर तक रुकना, कुंभ करना और फिर यथाशक्ति कुंभक होने के बाद में दाएं साइड से
सांसों को छोड़ना, फिर बाएं से भरना। अगर हाई बीपी वाले ये अभ्यास चंद्रभेदी तीव्र गति से भी करें तो उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई हानि नहीं होने वाली है। क्योंकि वो पित्त को ही कंट्रोल करने वाला अभ्यास है। पित्त को क्षमन करेगा और बीपी को भी नॉर्मल कर देगा, सामान्य कर देगा। थोड़ी देर तक कुंभ करने के बाद में यथाशक्ति कुंभ करना। कुंभक माने क्या है, जैसा अभी मैंने सांस भरा और मैं आपसे बात कर रहा हूं, या फिर ऐसा दोनों नासिकाओं को और मुख द्वार को बंद करके रुक गए, उसको बोलते कुंभक, अभ्यंत कुंभक। तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम, बाएं से लेना रुकना, दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना रुकना, दाएं से छोड़ना, इस अभ्यास को निरंतर करना, कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट देखना। उसके बाद फिर करना अगला अभ्यास। हाई बीपी में बहुत जरूरी माना जाता, मैं तो प्रतीकात्मक आपको खाली बता रहा हूं, शीतली प्राणायाम। जीवा को ऐसा बाहर निकालना, जीवा को मोड़ना, फिर कुंभक, अभ्यंत कुंभक। जीवा को मोड़ करके थोड़ी देर तक, मैंने जीवा से सांसों को धारण किया और थोड़ी देर तक रुक गए, फिर आराम से दोनों नासिकाओं से रेचक करना। जीवा से पूरक और नासिकाओं से रेचक। घर घर के समस्या है बीपी, कई कुछ लोग तो बिना काम का तनाव में जीते रहते हैं। पारिवारिक तनाव होता है, सामाजिक तनाव होता है, व्यवसायिक तनाव होता है, कई सारे तनावों में वो अपना जीवन जीते हैं। तनाव से क्या होगा, स्वयं को हानि पहुंचा रहे हो। तो ये शीतली प्राणायाम था। फिर उसके बाद में आता है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी में दांतों से सांसों को खींचना है। ऐसे दांतों से सांसों को खींचना, जीवा को या तो टालू में ऊपर लगा देना या दांतों के पीछे, और उसके बाद में दोनों दांतों से ऊपर और नीचे वाले एक दूसरे के ऊपर सटे हुए रखना, और उससे ही जो दांतों के अंदर जो छोटी छोटी फटी होती है उन फटों से सांस अंदर आ जाती है। फिर कुंभक किया, फिर दोनों नासिकाओं से रेचक। बहुत जबरदस्त प्राणायाम है चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी। ये ऐसे अभ्यास है कि आप को अगर वंशानुगत माता पिताओं से जो बीमारी आती है, माने बीपी की बीमारी, उससे भी छुटकारा मिलेगा। इस धरती पर ऐसी कोई बीमारी नहीं कि जो माता पिताओं से अपनी संतानों में आती नहीं। हर बीमारी आती है क्योंकि उनके जीन्स में वो होती है, हेरिडिटिकली वंशानुगत आने वाली समस्त बीमारियां। तो ये हमने किया शीतकारी प्राणायाम।
सबसे पहले हमने प्रायोरिटी किसको दी? नाड़ी शुद्धि अभ्यास को, वो भी वीडियो आप देख लेना। उसके बाद हमने चंद्रभेदी प्राणायाम को प्रायोरिटी दी सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमने प्रायोरिटी दी शीतली प्राणायाम को। फिर फोर्थ नंबर पे हमने प्रायोरिटी दी शीतकारी प्राणायाम को, बराबर। तो ये चार अभ्यास हमने देख लिए। आइए अब अगर किसी भी ये आपको मानो बहुत शरीर में वात है और कफ है तो आप ये चंद्रभेदी शीतली और शीतकारी प्राणायाम नहीं कर सकते। वात बहुत ज़्यादा है और वात के कारण बीपी है तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके लिए वर्जित है। कफ बहुत ज़्यादा है तो वो नहीं कर सकते, कफ है, अस्थमा है और कफ के ही कारण बीपी बढ़ रही है, तो फिर आप इन तीनों अभ्यासों को नहीं कर सकते। चंद्रभेदी नहीं कर सकते, शीतली नहीं कर सकते, शीतकारी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना बीपी के लिए देखना। अंतिम अभ्यासों की ओर बढ़ रहा हूं। भ्रामरी प्राणायाम, ऐसा भ्रामरी प्राणायाम 3, 5, 7, 9, 11, 21 100, 150, 200, 500, 1000 बार तक आप कर सकते हो। फिर भ्रामरी के बाद ओमकार प्राणायाम करना, उद्गीत प्राणायाम करना। ये भी वैसा ही है, आप 3 बार करो या 5 बार करो, 7 बार करो, 21 बार करो, 101 बार करो, 1001 बार करो, माने इन अभ्यासों को आपको कैसा भी करके अपनाना है और पूरा जीवन भर जो है बीपी की गोली नहीं खाना है, जीवन भर योग करना है, योग के शरण में आना है। नहीं तो कुछ भर जो है इतनी कटोरियां भर भर के गोलियां खा रहे हैं, बस अपने पूरे शरीर को और पूरे घर को जो है जैसा लगता है कि मेडिकल स्टोर बना दिया है, तो ऐसा मत कीजिए। मैं गोकुल जी आपसे करबद्ध होकर के मैं विनती करता हूँ कि आप योग कीजिए।